और सुप्रीम कोर्ट से मिला खुर्शीद शाह को बड़ा रिलीफ। अदालत उज़्मा ने खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दो साल से जायद का अरसा गुजर चुका खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को, लेकिन अभी तक नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका। खुर्शीद शाह को मिली सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी। आमदन से शायद साजात केस में खुर्शीद शाह को जमानत मिल गई। समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा नैब के तो गवाह भी खुर्शीद शाह के मुखालिफ हैं। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को दो साल से शायद अरसा गुजर चुका, अभी तक नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खुर्शीद शाह ने 40 बार बैरून मुल्क सफर किया। खुर्शीद शाह के खानदान ने 100 गैर मुल्की टूर किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सफरी अखराजात का तो नैब खुद हिसाब लगाती, खुर्शीद शाह कोई गरीब शख्स तो है नहीं। उन्होंने खुद जाहिर किया था कि इनके खानदान के पास 37 करोड़ कैश में हैं। क्या नैब के पास सिर्फ यही एक वाहिद सबूत है कि खुर्शीद शाह ने 40 दौरे किए? दलाइल सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की 1 करोड़ के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।